लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पंकज निगम, तो वो खूनी तू है और तू ही वो गुंडा है जो हम लोगों की तलाश में हमारे घर तक गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं ही गया था तुम्हारे घर तक, क्योंकि तुम लोगों ने ही मेरी मंजुला को मुझसे छीना है। बास्टर्ड। तुम्हारी मंजुला? यानी कि तुम और मंजुला एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, मैं जानता था। मैं मंजुला को जानता था क्योंकि मैं मंजुला से प्यार करता था। अच्छा, तो उस रात कंपार्टमेंट में एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक कर रहे थे? हाँ, नाटक कर रहे थे, मगर मैं नहीं जानता था कि हमारे नाटक की आड़ में तुम लोग मेरी मंजुला को कत्ल कर दोगे। बकवास मत कर, खून हमने नहीं तूने किया है, तूने। तुमने कभी सुना है किसी ने अपने प्यार का खून अपने हाथों से किया हो? जब तक तुम खुलकर साफ साफ हमें सारी बातें नहीं बताओगे, हम लोग सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहेंगे। मिस्टर पंकज निगम। मेरा नाम पंकज निगम नहीं, संजय चोपड़ा है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो शहर शहर स्टेज शोज किया करता था। उस रोज मंजुला ने पहली बार मेरे साथ बतौर कलाकार स्टेज शो में हिस्सा लिया था। हम दोनों फैसला कर चुके थे कि मंजुला के कॉलेज का रिजल्ट आने के बाद शादी करके घर बसा लेंगे। हम दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया था, पर मंजुला जानती थी कि उसके माता पिता इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसीलिए मैं उनके घर भी नहीं जा सकता था। मंजुला के पिता उसे और आगे पढ़ाने के लिए बंबई ले जाना चाहते थे। सिस्टर ग्लोरिया से मुझे पता चला कि 17 तारीख को वो लोग हावड़ा बॉम्बे मेल से बॉम्बे जा रहे हैं। सिस्टर ग्लोरिया? ये सिस्टर ग्लोरिया कौन है? मंजुला की टीचर, वो हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी। मैंने एक प्लान बनाया और सिस्टर ग्लोरिया के हाथों मंजुला तक एक चिट्ठी पहुंचाई। उस चिट्ठी में लिखे प्लान के मुताबिक जब ट्रेन नासिक स्टेशन पहुंची।
स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार करो। जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं पीछे के दरवाजे से उतर जाऊंगा, इससे किसी को शक नहीं होगा। अब तुम जाओ, घबराने की कोई बात नहीं, जाओ। ओके बाय। अरे टीसी साहब प्लीज, हमें अरे अरे यहां का आ रहे हो? नहीं नहीं, ये पोस्टल कंपार्टमेंट नहीं, पैसे भर देंगे। अरे मत प्लीज, अरे तो सा हो देंगे। क्यों बरकरार कहां से? बाथरूम गया था, मुझे जाने दो प्लीज। सामान लेके बाथरूम गया था? चला सच सच बताए, बैग कहां से चोरी की तूने? ये बैग मेरा खुद का है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो प्लीज। एक मिनट, तू तो बंबई जा रहा था ना, यहां बीच रास्ते क्या उतर रहा तू? तू चोर होगा। मैं चोर नहीं हूं प्लीज, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे जाने दो प्लीज। अभी यहाँ एक लड़की आई थी, खूबसूरत थी, हाथ में एक छोटा बैग। हाँ हाँ, उस बेचारे की ट्रेन छूट गई थी, वो अभी भी बाहर से टैक्सी पकड़ के इगतपुरी गई है। क्या? मैंने इगतपुरी के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो वहाँ 5-10 मिनट के लिए गाड़ी जरूर रोक लेगा। लेकिन आप कौन? सर वो उसके भाई हो? नहीं सर, मैं वो उसके पति हो? नहीं। उसके रिश्तेदार हो? जी नहीं। तो फिर उस लड़की को लूटने के इरादे से पूछताछ कर रहे हो? नहीं। पुलिस सर, पकड़ो इस चोर को। पुलिस कैश थी, पकड़ो उसे, पकड़ो। मैं स्टेशन से भागकर फौरन टैक्सी पकड़ के इगतपुरी स्टेशन पहुंचा, मगर ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अगले दिन अखबार में पढ़ा कि मंजुला का खून हो गया। तुम लोग रास्ते भर मंजुला के साथ बदतमीजी करते आ रहे थे, इसीलिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही लोगों ने मंजुला की इज्जत लूटी और उसका खून कर दिया। इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि इन लोगों को जान से मारकर खुद से पलटक जाओगे? हाँ। एक दूसरे का खून बहाने से ये केस नहीं सुलझेगा दोस्त, क्योंकि ये खून ना तुमने किया ना हमने, खूनी कोई तीसरा है। तो फिर वो तीसरा कौन? ए संजय, हम लोग को शिष्टाचार ग्लोरिया को मिलना चाहिए, वो जो मंजुला का टीचर था। हाँ हाँ हाँ, हमें उसे मिलना चाहिए, शायद वो अंधेरे में हमें कोई रोशनी दिखा सके। सिस्टर ग्लोरिया, सिस्टर ग्लोरिया से हमारा इस वक्त मिलना खतरे से खाली नहीं। क्यों? जब पुलिस हमें ढूंढती हुई यहां तक पहुंच गई तो वहां तो कभी भी पहुंच सकती है। एक मिनट, पर मैं तो वहां जा सकती हूँ। मुझे उन दोनों के प्यार पे पूरा यकीन है। संजय अपनी जान दे सकता है पर मंजुला की जान नहीं ले सकता। मैंने संजय के लिए जीसस से दुआ मांगी है, वो जरूर बच जाएगा। इस वक्त संजय के साथ साथ 3 और लोग इस केस में फंसे हुए हैं सिस्टर। अगर वो लोग बेकसूर हैं तो जीसस क्राइस्ट उनकी मदद जरूर करेगा। क्या मंजुला ने आपको कभी कोई ऐसी बात बताई जिससे हमें कोई मदद मिल सके? तुम्हें कितनी मदद मिलेगी ये तो मैं नहीं जानती, पर जिस दिन मैं संजय का खत लेकर मंजुला के घर गई थी। ये लीजिए। ये क्या है? ये सिर्फ डायरी नहीं है सिस्टर, ये तो मेरी जिंदगी है। इसमें वो हादसे मौजूद हैं जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अनजाने शहर में जा रही हूं, मेरी जिंदगी का कोई तो राजदार होना ही चाहिए। और मेरी समझ में आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है सिस्टर। वो डायरी कहाँ है सिस्टर? आओ मेरे साथ। दरअसल मंजुला की मौत अजीबोगरीब हालात में हुई, इसीलिए मैंने अमानत समझकर वो डायरी मदर सुपीरियर को दे दी। ये मदर सुपीरियर कहाँ मिलेंगी सिस्टर? बेटी तुम मेरे लिए अनजान हो और मैं वो डायरी किसी अजनबी को नहीं दे सकती। लेकिन मदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। मैं इंस्पेक्टर ए तलवार मंजुला मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ। क्योंकि मंजुला यहाँ पढ़ रही थी इसलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। आप
हमसे सब इंक्वायरी कर सकते हैं इंस्पेक्टर, वी विल स्पीक द ट्रूथ। यस। पर मैं वो डायरी आपको भी नहीं दूंगी। डायरी? कैसी डायरी? मंजुला की पर्सनल डायरी। लेकिन पुलिस को डायरी देने में आपको क्या एतराज हो सकता है? सन, यहाँ का डिसीजन लेने के लिए मुझे भी अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर किसी का उस डायरी के ऊपर सबसे पहला हक बनता है तो वो मंजुला के माता पिता का है। मैं कल ही मंजुला के डैडी को यहाँ ले आता हूँ। बेशक, मैं वो डायरी आपके हवाले कर दूंगी। मंजुला की वो पर्सनल डायरी हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उससे हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पार, वो तो कॉल इंस्पेक्टर तलवार ले जाएगा। आइए मिस्टर कदम। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू मिस्टर कदम, बैठिए, आइए। थैंक यू। मैंने डायरी संभाल के रखी है और अपने सुपीरियर से भी बातचीत कर ली है। आपको डायरी देने के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। जी। एक मिनट में आई। ओ गॉड, वेयर इज द डायरी? क्या हुआ सिस्टर? डायरी कल मैंने इसी जगह पर रखी थी इंस्पेक्टर, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? बाहर का आदमी यहाँ आ नहीं सकता और डायरी खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर जा नहीं सकती, फिर डायरी कैसे गायब हो गई? सिस्टर, आप इस शख्स को पहचानती हैं? जी जी। बाइबल पर हाथ रखकर कहिए कि आप इस आदमी को वाकई नहीं पहचानती। जी जी, जानती हूँ। क्या नाम है इसका? संजय चोपड़ा। क्या संजय और मंजुला एक दूसरे को जानते थे? जी नहीं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कब से? करीब 3 सालों से। आप ये बात कैसे जानती हैं? मंजुला मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी और वो मुझे बड़ी बहन मानती थी। आप उस डायरी के बारे में क्या जानती हैं? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वो डायरी पढ़ी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आइए मिस्टर कदम। मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि वो डायरी कहाँ है, किसके पास है, उसमें क्या क्या लिखा है और उस डायरी की वजह से उसका कत्ल किसी ने क्यों किया। हैरत की बात यह मिस्टर कदम कि आपकी बेटी का संजय चोपड़ा के साथ पिछले 3 साल से इश्क चल रहा था और आपको उसकी खबर तक नहीं थी। यही तो मेरी जिंदगी का रोना है इंस्पेक्टर। अब मैं अपने नसीब को कोसूं या अपने प्यार को, समझ में नहीं आता। शायद मुझ में ही कोई कमी रहेगी, इसीलिए उसने मुझसे यह सच्चाई छुपा ली। ऐसा क्यों किया? कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर कदम, कंट्रोल योरसेल्फ। हेलो इंस्पेक्टर, मंजुला मर्डर केस की तहकीकात बंद कर दी क्या? क्यों? सो रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? नाम में क्या रखा है इंस्पेक्टर? काम की बात सुनो, मंजुला के डैडी पर नजर रखो। क्यों? क्योंकि मंजुला के बाद शायद तुम्हें उसका नंबर लगाना पड़े। हेलो हेलो हेलो, आवाज पहचान सी लगती है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मुझे कानून मत सिखा। और तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ये क्या तेरा दामाद लगता है? Thank you.
हेलो हेलो मिस्टर कदम, बड़ी सहमी हुई आवाज लग रही है आपकी। लगता है डायरी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान है। कौन हो तुम? जिस आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं उसे तुम नहीं पहचान सके। मुझे तुम पर तरस आता है। खैर मैं दोबारा फोन करूंगा। कोई जरूरत नहीं। आज मुझे अपनी टैलेंट्स पे शक हो रहा है। कमाल है, इतनी इतनी ओरिजिनल आवाज निकाली मैंने मिठुंदा की और फिर भी उसने नहीं पहचानी। हमारा शब्द में नहीं आता है भिड़िंगो कि तुम क्यों मिठुंदा का आवाज में बोलता है। देखो हम शब्द तो मुसीबत में फंसा है, फिर मिठुंदा को इसमें क्यों घसीटता है? इसलिए कि कदम जैसी ऊंची हस्ती और हैसियत वाला आदमी हमें तो घास डालेगा नहीं जब तक कि उसकी बराबरी या उससे ऊंची हैसियत वाला आदमी से बात न करे। और हो सकता है कि मिठुंदा के नाम से अगर कदम नहीं तो मंजुला की माँ उन बातों पर रोशनी डाल सके जो हमें डायरी से मालूम हुई। ए बाबा हमारा बात मानो, कि नाटक फाटक बंद करो। हम जानता है कि अंधेरे में तीर चलाने से किच्छु नहीं होगा। हमको बहुत डर लगता है बाबा, ए उल्टा बाढ़ हम पे ना पहुंच जाए। यूं भी तो हम डर डर के सांसे ले रहे हैं, पुलिस के हाथ लग गए तो भी मरेंगे। इससे बेहतर है कि हाथ पांव मारते रहें। हो सकता है कि अंधेरे में तीर लग जाए। साहब आपका फोन। हेलो हेलो मिस्टर कदम, यकीनन आप रात को ठीक से सो नहीं पाए होंगे और मेरी आवाज को पहचानने के लिए दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे। जी नहीं, मैं बहुत इत्मीनान से सोया और फालतू बातों के लिए मैं अपने दिमाग पे जोर नहीं डालता, इसलिए मुझे दोबारा फोन मत कीजिए। ठीक है, एक शर्त पर टेलीफोन नहीं करूंगा। अगर आप ये बता दें जो औरत अस्पताल में बेहोश पड़ी है वो आपकी कौन है? मेरी पत्नी। पर तुम होते कौन हो ऐसा बेहुदा सवाल पूछने वाले? चाहते क्या हो? बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। यार लगता है हम गलत जगह निशाना लगा रहे हैं। प्रियंका, हम लोगों के चेहरों को वो अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए तुम उसका पीछा करो। अगर वो पुलिस के पास गया तो हमें ये जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। संजय सही कह रहा है प्रियंका। गुड मॉर्निंग मिस्टर कदम। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। कहिए कुछ पता चला? मैं आपको आगाह करने आया हूं मिस्टर कदम। किस बारे में? किसी अनजान आदमी का फोन आया था, कह रहा था आपकी जान को खतरा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर कि यह उसी आदमी का फोन होगा जो कल रात से मुझे परेशान कर रहा है। परेशान यानी? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके पास मेरी बेटी की डायरी है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इरादा क्या है। अब अगर दोबारा उसका फोन आया तो फौरन मुझे खबर कर दीजिए, पुलिस हर तरह से आपकी मदद करेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर तलवार। अपना ख्याल रखना। जी बाय द वे मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो इस काबिल हो जाएगी कि आपके सवालों का जवाब दे सके मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ओके ओके गुड डे। जब टेलीफोन करने वाले उस आदमी ने तुमसे कहा कि उसकी आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं तो अपने दिमाग पर जोर दो कदम। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे तुम भी जानते हो और करोड़ों लोग भी? हेलो मिस्टर कदम, थैंक यू वेरी मच। उस दिन अगर आप आर्ट्स क्लब में शूटिंग करने के लिए मदद ना करते तो हमारी शूटिंग ही नहीं होती। जिस आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं से तुम नहीं पहचान सके। मिठुन चक्रवर्ती। क्या बात कर रहे हो कदम, फिल्म स्टार मिठुन चक्रवर्ती? हाँ, मैं फिल्म स्टार मिठुन चक्रवर्ती की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस मनहूस कंपार्टमेंट में मेरी बेटी का कत्ल हुआ उसी कंपार्टमेंट में मिठुन चक्रवर्ती भी मौजूद था। ऐसे अब पूरा खेल मेरी समझ में आ गया। कदम अब अगर दोबारा उसका फोन आए ना तो तुम उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाना। लेकिन क्यों? ताकि पहले हमें यह पता लग सके कि मिथुन चक्रवर्ती जैसी हस्ती का इस तरह टेलीफोन करने के पीछे मकसद क्या है। और जब तक उसकी नियत का खुलासा नहीं होता
हम आगे कोई कदम नहीं उठा सकते। सक्सेना हियर, मिस्टर कदम को फोन दीजिए प्लीज। जस्ट ए मिनट, तुम्हारा फोन। कौन है? हेलो। तो आखिर आप अपने वकील के पास मशवरा लेने के लिए पहुंच ही गए मिस्टर कदम? जी हाँ मिठुन साहब। चलिए, आपने मेरी आवाज तो पहचान ली, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त पहचाना। आप इस बात पे रोशनी डालेंगे, कई साल पहले आपका एक बिजनेस पार्टनर था जिसने आत्महत्या की थी। इस बात को तो सभी जानते हैं, क्या डायरी में यही लिखा है? नहीं मिस्टर कदम, और भी बहुत कुछ लिखा है इस डायरी में। अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी एक छोटी सी रकम अदा करनी पड़ेगी। वो छोटी सी रकम कितनी बड़ी होगी? सिर्फ 3 करोड़। 3 करोड़? अब ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आके ये छोटी सी रकम ले जाइए और वो डायरी वापस कर दीजिए। ऑफिस में करोड़ों रुपया लेने के चक्कर में बड़े बड़े लोग बदनाम हो चुके हैं मिस्टर कदम, मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। ठीक है, तो पक्के खिलाड़ी के नाते आप ही बता दीजिए कब, कहां और कैसे। एक मिनट। अरे यार, वो पैसे चुकाने को तैयार हो गया है, अब मिथुन डाकू कहां से लाएंगे? सुन सुन, तू उससे थोड़ा टाइम मांग और उसे प्लान समझा दे। अरे अरे, फिर हम सोचेंगे कि मिथुन डाकू कहां से लाएंगे। बात कर, बात कर। हेलो मिस्टर कदम, अगले बुधवार को पैसा लेकर आप टू ऑफ हावड़ा बॉम्बे मेल में वर्धा से सवार होंगे। रास्ते में किसी भी स्टेशन पर मैं आपसे मिलूंगा और ट्रेन में ही हमारा सौदा होगा। जी मुझे मंजूर है। वेल डन कदम, वेल डन। मिठुन चक्रवर्ती जैसे बड़े आदमी को पुलिस तभी अपनी गिरफ्त में ले सकती है जब पूरे सबूत और गवाह उस जगह पर मौजूद हों। एक बात मैं बता दूं, अपनी बेटी के खूनी को पकड़ने के लिए अगर मुझे अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर देनी पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर हाल में हर कीमत पर उसके कातिल को कानून के हवाले करके रहूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी बेटी के खून का मकसद रुपया है, और खूनी विजू भी हो सकता है, संजय चोपड़ा भी, या फिर